समीर साहब, मदरसे में पढ़ाया जाता है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब हिंद शब्द है ना वहाँ पर, इनको पता है कि हिंदुस्तान है, हिंद है। हम गाते हैं तराना सारे जहाँ से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो हिंदुस्तान वतन रहा है हिंद की जानिब से, इनको इस्लाम की खुशबू आती थी। तो हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, तो इस बात से कोई परहेज तो कर ही नहीं रहा है। लेकिन इनका जो मुद्दा है वो गजवाए हिंद है और उसको ये परिलक्षित करना चाहते हैं, ये उसको सपना देखते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र तो खुद कह रहे हो भाई, आपके तमाम जितने भी किताबें हैं उसके अंदर हिंद की जानिब से इस्लाम की खुशबू आती थी, मोहम्मद साहब को तो पहले आती थी ना, तो हिंदू तो राष्ट्र तो है ही, तो खुद ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और अब आपका जो सपना है कि इस देश को इस्लामीकरण करना, गजवाए हिंद का जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए तमाम जो सुबह शाम मदरसों में जो पढ़ाई की जाती है, आचार्य विक्रमादित्य जो वास्तविक, आप मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर बाकी क्या है, ऐलान किस बात का हो, इसकी डिमांड कर रहे हैं आप। हिंदू राष्ट्र को हम कहते हैं सरकार उसको मान्यता दे, सरकार मान्यता दे कि हिंदू राष्ट्र को, जिस प्रकार से पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र किया गया, हिंदू को, हिंदू राष्ट्र को सर्वधर्म सेकुलर की बात की जाती है, हाँ। तो हिंदू राष्ट्र नाम दे, हिंदू राष्ट्र ही सर्वधर्म का सम्मान करता है, राम राज्य की बात की जाती है, राम राज्य में कोई भेद नहीं है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या विधर्मी क्या नास्तिक, सबके रहने की परंपरा है, कहीं कोई नहीं है, राम राज्य में सबको सुख है, किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है, जहां जहां वास्तविक, ठीक है, ठीक है, यहीं से बहस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लेकिन बाबा बागेश्वर का जिक्र हो रहा है। बाबा बागेश्वर अपने तकरीबन हर प्रवचनों में इस बात का जिक्र करते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, था है, ऐलान बाकी है, इस तरह की बातें की जाती हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहते हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। कौन कौन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट हो रहा है, जरा बताओ। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में, बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हम राम के थे हैं, और जब तक, कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। तो भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है ये कहते नजर आ रहे हैं बाबा बागेश्वर। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी साहब, क्या हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ये मांग आपको जायज नजर आती है, क्योंकि संविधान में सेकुलर स्टेट बताया गया है इस देश को, पंथ निरपेक्ष देश है ये, फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? देखिए, कोई व्यक्ति यदि बहुत हंसमुख है तो उसका हम कहते हैं उसका व्यक्तित्व तो हंसमुख है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी नहीं होता है। किसी का हम कहते हैं कि वो बड़ा दुखी आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हंसता नहीं है। तो जो प्रकृति आप में डोमिनेट करती है उसी के कारण आपका व्यक्तित्व तो होता है। जैसे आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन हो तो आपके चैनल में ये कहा जाता है भाई यहाँ पर ये डोमिनेट करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी चीज़ें थोड़ा सा मार्जिन पे रहती है। भारत एक हिंदू जैसे कोई कंपाउंड बनता है, जैसे CuSO4 हम कहते हैं, कॉपर सल्फेट, तो उसमें पॉजिटिव रेडिकल होता है, नेगेटिव रेडिकल होता है, जो रेडिकल डोमिनेट करता है उसी के अनुसार उसका कंपाउंड की प्रकृति व्यक्त की जाती है। नहीं, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बहुसंख्यक हिंदू हैं तो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दिक्कत ये है, मतलब तो समझाइए ना। दिक्कत ये है ना कि आप लोग पत्रकारों को सुनने की आदत नहीं है, बोलने की ज्यादा आदत है, तो फिर हम उठ करके चले जाएंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी तरीके से, कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, आप सुनिए पहले। सुन रहा हूं मैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए तो। सुनना नहीं चाहते हैं, आपको बोलने की बीमारी हो गई है। हाँ। पहले सुन लीजिए बढ़िया से। हाँ। मेरा ये कहना है कि इस देश की प्रकृति हिंदू है। जब मैं कहता हूं इस देश की प्रकृति हिंदू है तो हिंदुओं और उनके पूर्वजों ने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, हिंदू कल्चर कहते हैं, हिंदू सभ्यता कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, इस देश की मुख्य धारा यही है। और ये आपकी सोच हो सकती है ना संगीत रागी साहब। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। अरे भाई, एक तरफा भाषण नहीं हो सकता ना संगीत रागी जी।